हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसेंटली जो पीयूष गोयल जी ने इंटरिम बजट प्रेजेंट किया 2019-20 के लिए, तो उसके जो टॉप 10 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला अपडेट वो किसानों के लिए कि जिनके जो छोटे किसान हैं जिनकी खेती 2 हेक्टेयर से कम है उनको 6,000 रुपये प्रति महीना पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर दिए जाएंगे और ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, 3 ट्रांशेस में ट्रांसफ़र होगा। दूसरा एक बड़ा अपडेट जो है वो मिडिल क्लास या फिर मीडियम इनकम ग्रुप के लिए, जो सिटी के खास करके लोग हैं, तो 5 लाख की तो जो इनकम है वो अब टैक्स फ्री होगी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिमिट था 40,000 का वो अभी 50,000 हो गया है। कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा अगर आप सेकेंड घर बाय करते फर्स्ट वाला सेल करके, सेकेंड वाले पे नो कैपिटल गेन टैक्स। थर्ड अपडेट है 3DS का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रेंटल इनकम का वो 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 कर दिया गया। उसके बाद सेक्शन 81BA के अंडर जो 1 साल तक छूट मिलती थी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो अब 2019-20 के लिए एक्सटेंड की गई है, 1 साल एडिशनल उसमें छूट मिलेगी। ओके, थर्ड अपडेट है कि मंथली पेंशन स्कीम शुरू की गई है जिसमें 3,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी। उसके लिए कंट्रीब्यूशन देना होगा 100 रुपये पर मंथ और ये 60 ईयर्स एज से ज़्यादा वाले लोगों के लिए होगी। फोर्थ पॉइंट है कि जो फार्मर्स कलामिटीज या फिर ड्रॉट वगैरह से अफेक्टेड होते हैं तो उनको 2% किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन लेंगे उसके अंदर 2% इंटरेस्ट छूट मिलेगी और अगर टाइमली रीपेमेंट करते हैं वो तो उसमें 3% और एडिशनल छूट मिलेगी। और काउज के लिए जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके अंदर 750 करोड़ एलोकेशन इंक्रीज किया गया है और 2% की इंटरेस्ट छूट मिलेगी अगर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री उसके साथ फार्मर्स उसके अंदर का बिजनेस करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेचुइटी जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है वो 10 लाख से बढ़ाकर उसका लिमिट 30 लाख कर दिया गया। फिल्म मेकर्स के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम शुरू की जाएगी, मतलब एक ही पॉइंट से सारे क्लियरेंस जो इश्यूज आते हैं क्लियरेंस के लिए वो सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ अलोकेशंस के अपडेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलोकेशन 58,166 करोड़ कर दिया गया है और मनरेगा का अलोकेशन 60,000 करोड़ कर दिया गया है और डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, एक्चुअली इतना सारा स्पेंडिंग और जो डिस्काउंट गवर्नमेंट दे रही है तो फिस्कल डेफिसिट 3.4 करीब रहने का अंदाज है गवर्नमेंट का, तो वो पता नहीं कैसे कैलकुलेशन किया है, तो उसके डिटेल्स जैसे जैसे आएंगे आई विल टॉक ऑन दैट ऑल्सो। और एक अपडेट है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके लिए 2% इंटरेस्ट की छूट मिलेगी अगर आपका लोन 1 करोड़ तक का होगा और LTCG पे कोई अपडेट नहीं आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बहुत मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो कुछ अपडेट उसके बारे में नहीं आया। तो ओवरऑल ये मिडिल क्लास फार्मर्स और सीनियर सिटीजन्स का बजट था, एक इंटरिम बजट करके बहुत अच्छा था। ओके, दैट वॉज ऑल अपडेट अबाउट इंटरिम बजट 2019-20। थैंक यू फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।